राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे, जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूँ। दे राजू श्रीवास्तव जी का आकस्मिक निधन हुआ है, हम सब बहुत ही हतप्रभ हैं, दुखी हैं। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अवधिपुट को, अपने गांव गरीब की भाषा को कभी नहीं भूले। जब भी उनका कोई वीडियो आता था, ये स्टेज शो करते थे, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, उनकी कहीं न कहीं गांव की भाषा को लेकर के आते थे। उनकी जमीनी ट्रस्ट था, उनकी अपूर्णीय क्षति है उनके निधन से। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, उनके प्रशंसकों को, उनके परिवार वालों को इस अपूर्णीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, कभी भी उनको हमने निराश नहीं देखा, हमेशा हंसते रहते थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, परिजनों, समर्थकों सबको यह दुख सहन करने की सामर्थ्य दें। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे, डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे, ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, हमने आपको प्रतिक्रियाएं जो यहाँ पर राजनीतिक जगत से निकलकर आई हैं वो यहाँ पर सुनवाई हैं। और किसी का यही कहना है कि बहुत बड़ी क्षति है राजू श्रीवास्तव का इस तरह से हमारे बीच से चले जाना।